हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 9 बज गया है। मैं लाइव क्लास में आ गई हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, कितने लोग लाइव आए हैं। कोई नहीं जुड़े हैं अभी तक। जल्दी से जुड़ जाइए। अभी तक कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। लाइव के स्टार्ट क्लास स्टार्ट हो रही थी 9 बजे, मैं आप लोगों को बताई भी थी। हाँ हेलो कुलदीप जी, कुलदीप जी जुड़ गए हैं। और एक दो लोग जल्दी से आ जाइए ताकि मैं स्टार्ट कर पाऊँ। सॉरी कुलदीप जी, अभी कोई नहीं है तो आप प्लीज़ 1-2 मिनट वेट कीजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ और भी 1-2 लोगों का। आज पहला दिन है मेरे लाइव क्लास का, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को जुड़ने में टाइम लगे, बट मैं नोटिफिकेशंस दे दी हूँ। बहुत लोगों का कमेंट भी आया था मुझे। तो देखिए, आज NTA UGC नेट की एग्ज़ाम के पर्पस से, और ये एग्ज़ाम के साथ साथ आपको KVS NVS DSSV के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो सारे ही फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि UGC नेट में वेस्टर्न आर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अगर हम KVS और NVS की बात करें तो वहाँ पे इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हेलो अनुराधा राजवर, अनुराधा जी जुड़ गई हैं, उनको हाय बोल देती हूँ। तो इस आज पहला दिन लाइव क्लास है, इसलिए मैं पेपर ऐसा रखी हूँ ताकि सब लोग इनका अनुभव ले पाएँ और सबके लिए हेल्पफुल हो। ऐसा ना कि सिर्फ KVS वाले के लिए हेल्पफुल हो और UGC नेट वालों के लिए नहीं, या फिर DSSV वालों के लिए नहीं। ये पेपर सबके लिए ही लाभकारी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लोग आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी और कुलदीप जी आप जुड़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन थी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर नियोजन है। ये क्वेश्चंस आपको KVS NVS DSSV में पूछे जाते हैं रिपीटेडली, और NTA नेट में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। NTA नेट में इसे घुमा के पूछा जा सकता है। हो सकता है कि पूछा जाए कि नगर नियोजन की जो विशेषता है या नगर नियोजन की जो चीज़ें हैं वो कौन से सभ्यता में देखा गया है। तो याद रखना है हड़प्पा, ना कि मोहनजोदड़ो, ना ही कालीबंगा, लोथल, ये सब में नगर नियोजन नहीं थे। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है नगर नियोजन। सेकंड नंबर है जोधपुर शैली की चित्रकलाओं की धोला मारवानी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। नीतू शर्मा जुड़ गई हैं। हेलो नीतू जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। हेलो नीतू जी, हाँ, तो जोधपुर शैली की चित्रकलाओं की धोला मारवानी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो धोला मारवानी को हम लोग धोला मारू भी बोलते हैं। धोला मारवानी को हम लोग धोला मारू भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सेम चीज़ है। और ये जोधपुर शैली के लिए जाने जाते हैं। जयपुर शैली की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पेंटिंग की उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फेमस है, वो है धोला मारवानी श्रृंखला, यानी कि धोला मारवानी जो सीरीज है वो जोधपुर शैली की चित्रकलाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पाल लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव पाया जाता है। अगर आप पाल मिनिएचर पेंटिंग देखतेंगे तो उसमें पहचानना है कि उसमें किसका इंफ्लुएंस है, किससे इंस्पायर्ड है, तो वो अजंता से है। यानी कि पाल लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव पाया जाता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं मैम इंग्लिश में, कुछ कहते हैं हिंदी में, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ ताकि इंग्लिश वाले भी समझ पाएँ और हिंदी वाले के लिए तो प्रॉब्लम होगी नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में भी
चलते हैं जहाँ वीडियो हम लोग देख रहे थे। फिर है आप लोग का नेक्स्ट 24 नंबर, उभारधारी नक्काशी। इसमें क्या बोलते हैं माया को, माया का स्वप्न को? प्लीज कमेंट कीजिए कि माया को स्वप्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। माया का स्वप्न, अगर यही चीज़ इंग्लिश में दे, हिंदी में ना दे, डेफिनेटली हिंदी में दिया जाएगा, बट कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए, अभी तक मुझे आया नहीं, मैं ही लिख देती हूँ। ड्रीम ऑफ माया, ड्रीम ऑफ माया इसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो कि है, हेलो मनीषा खातिक, हाय, जुड़े रहिएगा। तो उभरधार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न भरहुद वेदिका में मिलती हैं। तो भरहुद तो आप लोग को मालूम ही होगा, तो याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि माया का मैचिंग में भरहुद दे दिया जाएगा और मैचिंग में होगा माया का स्वप्न। जैसा कि आप लोग NTAGC नेट में जानते हैं कि मैचिंग में 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैच करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 4 लिख दिए हैं और यहाँ पे मान लीजिए ABCD हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को मैच करके बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। मान लीजिए यहाँ पे भरहुद है और यहाँ पे माया का स्वप्न लिखा हुआ है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इतना लंबा ना पूछ के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौर पंचासी का श्रृंखला राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो चौर पंचासी का आप लोग क्या मुझे एग्जैक्ट टाइम लाइन बताइए, यानी कि चौर पंचासी का कब स्टार्ट हुआ था। मैं आप लोग को अप्रोक्स बता रही हूँ, आप लोग मुझे उनका कंप्लीट डेट डेट बताइएगा। 15 से 16 सेंचुरी में बता रही हूँ, ठीक है, 15 से 16 सेंचुरी बता रही हूँ। अब ऑप्शन में हो सकता है 1564 या फिर 1632, तो क्या होगा करेक्ट इसका टाइम लाइन, ये आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, पहले ये क्वेश्चंस पूरा कर लेते हैं। हाँ, तो चौर पंचासी का श्रृंखला राजस्थानी श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जब राजस्थानी कला के और भी जितने सारे उनके ग्रुप हैं, आप लोग को मालूम ही होगा कि जब भी कोई हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें और भी उनके सब स्कूल्स होते हैं, तो जैसे कि राजस्थानी के और भी सब स्कूल क्या हैं, कोई बता सकते हैं? कमेंट कीजिए कि राजस्थानी चित्रकला के और भी सब स्कूल क्या हैं, जैसे कि बसोली के हैं, कोटा हैं, पहाड़ी हैं, इसी तरह से। मनीषा जी पूछ रही हैं कि मैम टॉपिक रिलेटेड होगा कि MCQs रिलेटेड क्लास, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्लास कैसे चाहते हैं, टॉपिक रिलेटेड चाहते हैं या फिर MCQs में चाहते हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट किए हैं कि वो लोग MCQ में पढ़ना पसंद करते हैं, और अगर आपको मनीषा जी टॉपिक रिलेटेड चाहिए या आपको कैसे चाहिए, आप सभी लोग मनीषा जी, कुलदीप जी और भी पहले 3-4 लोग जुड़ चुके थे, नाम अभी मैं उनका भूल गई हूँ, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास को कैसे चाहते हैं, टॉपिक रिलेटेड या फिर MCQs रिलेटेड। अगर टॉपिक रिलेटेड चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जब ये लाइव वीडियो एंड हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए, तो मैं टॉपिक वाइज भी ला सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनी थिंग, आप लोग को जो रिक्वायर है मैं वही दूंगी। अनुराधा राजवर कह रही है कि टॉपिक रिलेटेड, ठीक है अनुराधा जी। अनुराधा जी ने मुझे क्वेश्चंस भी शायद किया था कि आइकोनोग्राफी भी वो कर रही थी कि टॉपिक लाने के लिए, तो जरूर मैं उस पर वर्क कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आऊँगी आइकोनोग्राफी के लिए, जो कि NTAUGC नेट में हमेशा ही पूछे जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर है प्राचीनतम राजस्थानी शैली मेवाड़ है। तो राजस्थानी शैली जब हम आरंभिक चरण की बात कर रहे थे, यानी कि पहले का एकदम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तब चौर पंचासिका का महत्वपूर्ण होगा, बट अगर हम प्राचीनतम राजस्थानी शैली की बात करें तो वो मेवाड़ है। नेक्स्ट है 27 नंबर, दक्षिण भारत की वस्तु शिल्प शैली द्रविड़ नाम से जानी जाती हैं। अनुराधा जी कह रही हैं थैंक यू मैम, तो अनुराधा जी मोस्ट वेलकम। तो दक्षिण भारत, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, जब हम दक्षिण भारत की बात करें दैट मीन्स कि साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, और जब साउथ इंडिया तो नॉर्थ इंडिया की भी बात करेंगे, तो पहले साउथ इंडिया के बारे में ये कहना चाहेंगे कि साउथ इंडिया की जो वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्चर की जो स्टाइल होती है वो द्रविड़ नाम से जानी जाती हैं, और ये आप लोग को मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ द्रविड़ा पे, बेसरा पे और नागड़ा पे। इवन इसकी जो स्टाइल होती है, इनके जो आयताकार होते हैं, द्रविड़ होगा तो क्या उसके आर्किटेक्चर के कौन से चीज़ होंगे, ये आप लोग को मैं बताई थी कि आयताकार होगा या फिर स्क्वायर होगा
या फिर सर्कल होगा कि इनका कौन सा प्लानिंग होता है, इसके बारे में बात किए थे। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नीतू शर्मा कह रही है टॉपिक रिलेटेड मैम, तो नीतू जी टॉपिक वाइज मैम वेस्टर्न आर्ट से। कुलदीप सिंह भी कह रहे हैं टॉपिक वाइज, तो कुलदीप जी मैं बहुत सारे वेस्टर्न आर्ट की टॉपिक डाली हूँ, आप लोग देखिए उसे। और कौन सी टॉपिक आप लोग को चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम एक एक टॉपिक पे वर्क करूँगी। जैसे अगर नीतू शर्मा मुझे बोलती है इंडियन पे काम करें तो इंडियन पे करूँगी। कुलदीप जी कह रहे हैं वेस्टर्न पे तो एक ही दिन तो सारा नहीं हो सकता है, स्लोली स्लोली मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आऊँगी। और मनीषा जी आप भी कमेंट करें आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। दक्षिण भारत की वास्तुशिल्प शैली द्रविड़ नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ा, और अगर हम नॉर्थ की बात करें यानी कि उत्तरी भारत की बात करें तो नितिन सैनी, हेलो मैम, नितिन सैली सैनी, हेलो जी। तो दक्षिण भारत की तो वास्तुशिल्प आपकी द्रविड़ हो गई, बट अगर हम यही उत्तरी भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे नागड़ा का यूज होता है। तो तीन चीज़ है शैली में, तीन स्टाइल होती है, याद रखिएगा, द्रविड़ा, नागर और बेसर। अब आप लोग अगर मुझसे सुनिएगा तो मैं हमेशा द्रविड़ा बोलती हूँ, नागड़ा बोलती हूँ और बेसरा बोलती हूँ। तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं नागड़ा, बेसरा और द्रविड़ा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो द्रविड़ा हो जाता है, यानी कि ए उनके एंड में लग जाता है। और मैं हर चीज़ को इंग्लिश में पढ़ती हूँ इसलिए मेरे प्रोनाउंसिएशन में द्रविड़ा ही आ जाता है, और हिंदी में मैं अगर पढ़ाती हूँ तो द्रविड़ नहीं बोलती हूँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे कि रामायणा, गीता गोविंदा, अगर इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो गीत गोविंद होगा और रामायण होगा, बट अगर हम इंग्लिश में जब इसे बोलते हैं तो रामायणा और गीता गोविंदा हो जाता है। तो आप मेरे प्रोनंसिएशन को गलत मत समझिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं आ लगा दूं तो अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो द्रविड़ नागर बेसर, और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो द्रविड़ा नागरा एंड बेसरा। मनीषा खातिक कह रही है कि मूर्तिकला स्थापत्य कला, तो मनीषा जी मैं आपको बताऊँ कि मूर्तिकला पे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मूर्तिकला स्थापत्य कला में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए पर्टिकुलर मुझे बताइए, पर्टिकुलर टॉपिक आप कमेंट करें। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको दक्षिण भारत की वास्तुशिल्प के बारे में, और उत्तर भारत की वास्तुशिल्प शैली जो है नागड़ा होती है, ये भी कंफर्म हो गया। अब इन लोग के आर्किटेक्चरल प्लान क्या होते हैं, जैसे हर चीज़ का एक प्लान होता है ना, स्टाइल होता है कि उनका प्लान कैसा होगा, स्क्वायर होगा या फिर राउंड होगा या फिर आयताकार होगा, तो ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा मेंशन है। विवेक जी, हेलो विवेक जी, विवेक जी कह रहे हैं मैम वेस्टर्न आर्ट से स्टार्टिंग आर्टिस्ट पर। तो विवेक जी मैं बहुत सारे आर्टिस्ट बनाई हूँ वेस्टर्न आर्ट के, जैसे कि हाई रेनेसा पे तो बहुत सारे बनाई हूँ। फिर आप लोग को साथ ही साथ मैं उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद यानी कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म पे भी बनाई हूँ। और आपका जैसे जब हम रेनेसा की बात करते हैं तो रेनेसा में अर्ली रेनेसा, नॉर्दर्न रेनेसा, साउदर्न रेनेसा, हाई रेनेसा, इस तरह से चीज़ें आती हैं, इनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी बनाई हूँ। तो विवेक जी आप आर्टिस्ट के नाम भी मेंशन कीजिए कौन से आर्टिस्ट चाहिए। नेक्स्ट है 28 नंबर, जहांगीर ने अबुल हसन को किस चीज़ के लिए नवाजा था, तो जहांगीर ने अबुल हसन को किस चीज़ के लिए, ये भी याद रखना है, चित्रकला के लिए यानी कि पेंटिंग के लिए, ये भी याद रखना है। ऐसे कन्फ्यूजन की बात है नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम जहांगीर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने पेंटिंग से ही काम किए थे। हाँ अगर हम शाहजहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो अबुल हसन को नादिर उल जमान से सम्मानित किया गया था, और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंडर ऑफ एज, वंडर ऑफ एज। नेक्स्ट है सित्तनवासल गुफा मंदिर जैन धर्म को संबंधित था, यानी कि सित्तनवासल गुफा कौन से धर्म से संबंधित था, तो सित्तनवासल गुफा आप लोग का जैन धर्म से संबंधित था, ये चीज़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है NTAUGC नेट में ये क्वेश्चन, जो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको KVS एनिवर्स में पूछे जाएंगे, बट जब जब आप NTAUGC नेट JRF के लिए एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सित्तन नवासल यहाँ पे है और जैन धर्म यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि एलोरा की जो भी स्कल्पचर है वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो एलोरा में आप लोग को मालूम है कि बौद्ध जैन हिंदू सारे हैं, ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। या फिर ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो अभी मैं ऊपर करवा चुकी हूँ कि चौड़ पंचा शिखा कौन आरंभिक काल में राजस्थानी के लिए जाने जाते थे, ठीक है, तो चौड़ पंचा शिखा यहाँ पे राजस्थानी हो गया। ये क्वेश्चंस भी हो सकता है कि भरहूत वेदिका में हम बात किए थे माया
यानी कि माया का स्वप्न, ड्रीम ऑफ डे के बारे में। तो इस तरह से भी चार चीज बनने के चार ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि एनटीए जिस नेट में आप लोग को मालूम है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको चारों जानना बहुत ज़रूरी है, बट केवीएस एनिवेस में इतने डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं। विवेक जी कह रहे हैं मैम लिंक कैसे मिलेगा, किस चीज़ का लिंक आप चाह रहे हैं विवेक जी, प्लीज कमेंट करें। ये जो वीडियो पढ़ा रही हूँ इसका लिंक मांग रहे हैं, किस किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं वो आप कमेंट कर दें, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप लिंक किस चीज़ का मांग रहे हैं। 29 नंबर हो गया, अब हम 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वपर्याप्त चरित्र कृष्णा यानी कि राधा कृष्णा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक यानी कि बहुत ज़्यादा जो पेंटिंग हुई हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए हैं वो राधा और कृष्णा पे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि राजपूत पेंटिंग में जो अधिकांश चित्र को बनाया गया था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि चरित्र जो थे वो राधा कृष्णा पे थे, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि राजपूत चित्रकला में जो सब्जेक्ट थे वो राधा कृष्णा पे आधारित थे, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद हैं। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक यानी कि उनके जो कन्वेनर है, जो उनको रखे हैं, जो कंजर्व करते हैं, उनको राजा, उनका नाम है राजा संसार चंद। तो कांगड़ा के तो हो गए राजा, राजा राजा हैं इसलिए उनका नाम में राजा लगा रहे हैं, बट नितिन सैनी कह रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मैम, वीडियो चल नहीं रही सही से। फ्रेंड्स मेरे तरफ से नेटवर्क पूरा है, मेरे तरफ से नेटवर्क में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप लोग में के नेटवर्क आप लोग चेक कीजिए, हो सकता है आप लोग की नेटवर्क की कोई इशू होगी, मुझे कोई इशू नहीं आ रही है। अच्छा विवेक जी कह रहे हैं वेस्टर्न आर्टिस्ट का वीडियो मैम, ओके, तो विवेक जी मैं वेस्टर्न आर्टिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में है, और वीडियो को अंत तक आप लोग देखें, वीडियो के अंत में आज मैं आपको चैनल को देखने सिखाऊंगी, चैनल बहुत लोग देखना ही नहीं जानते हैं कि चैनल कैसे देखें। तो विवेक जी और मैं अदर स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आज के वीडियो को आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मान के एंड तक देख ले, और आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोग को लिंक मिलेगा, सारे वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में रहता है, डिस्क्रिप्शंस में रहता है, और साथ ही साथ ऊपर के जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो यहाँ पे ऊपर पे आई बटन आता है, एक आई बटन इस तरह से आता है, उस आई बटन पे भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाती हूँ लिंक, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में जो भी वीडियो को अंत तक देखते होंगे उनको इस तरह से अंत में बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें एक एक सब्सक्राइब्स का बटन होता है और बाकी तीन मैं वीडियो ला देती हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ख़ास करके विवेक जी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो हम देख रहे थे क्वेश्चंस नंबर 31 कि राजा संसार चंद किन संरक्षण कौन से चित्रकला के थे, तो कांगड़ा के। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है शिवानी राणा, शिवानी जी हेलो शिवानी जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ रही हूँ, आप लोग को ये बताना है कि सावंत सिंह जो राजा हैं वो कौन से चित्रकला के संरक्षण थे, वो भी मिनिएचर पेंटिंग के ही हैं, बट आप लोग को बताना है कमेंट करके कि सावंत सिंह कौन से चित्रकला के संरक्षक थे। संसार चंद कांगड़ा के थे और सावंत सिंह किसके हैं बताने हैं, विवेक जी बोल रहे हैं ओके मैम, ठीक है विवेक जी वीडियो को अंत तक देखें, मैं बता दूंगी कैसे आपको लिंक मिलेगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, कल्पसूत्र जैन धर्म का धार्मिक पाठ है, यानी कि कल्पसूत्र, आप देखिए जब जैसे ही मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, तो कल्पसूत्र जो कि है वो जैन धर्म का धार्मिक पाठ है, यानी कि कल्पसूत्र इज द रिलीजियस लेसन्स ऑफ जैन धर्म। जैनम खान हेलो मैम, जैनम खान जी हेलो, जैनम जी कैसे हैं आप, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन किए हैं हमारे क्लास को जैनम जी, कभी भी आपका कमेंट नहीं आया है, एनीवे थैंक यू, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे में जैनम खान जी, और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, पांडुलिपि एक जगह नहीं मिलता है वीडियो मैम आपका, विवेक जी एक जगह कैसे मिलेगा, क्योंकि जब मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ ना तो उसमें जो वेस्टर्न के होते हैं वो वेस्टर्न में डाल देती हूँ, जो इंडियन के होते हैं इंडियन में डाल देती हूँ, जो एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो अलग हैं, जो टेस्ट पेपर हैं वो अलग है, जो मुगल पे वीडियो है वो अलग है, तो एक ही जगह हुआ ना, आप वेस्टर्न में जाइए सारे वेस्टर्न मिल जाएंगे, इंडियन में जाइए सारे इंडियन मिल जाएंगे, ठीक है।
और प्लेलिस्ट में जाइए विवेक जी, आप जो भी मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, रेणु वर्मा किशनगढ़ के। धन्यवाद रेणु वर्मा, रीनू वर्मा सॉरी, रेणु वर्मा जी को थैंक्स लिखना चाहूँगी कि आपने बताया कि किशनगढ़ के जो कि हैं राजा हैं सावंत सिंह। धन्यवाद, सही क्वेश्चंस। राजेंद्र यादव, हेलो मैम, राजेंद्र जी हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगर बार बार सबको मैं हाई करूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। 33 नंबर है, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम ताड़ का पत्ता था जो, और मैं राजेंद्र जी इन लोग से कहना चाहूँगी कि जो बाद में जुड़े हैं वो पहले से जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए अभी हम क्वेश्चंस नंबर 33 करवा रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम ताड़ का पत्ता था, यानी कि कौन से पत्ते थे, तो ताड़ के, पाम लिप्स, ठीक है, इंग्लिश में ताड़ के पत्ते को पाम लिप्स बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पाम लिप्स बोलते हैं। तो पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम ताड़ का पत्ता था। नॉट ओनली पांडुलिपि बट पहले जितनी भी पेंटिंग होती थी उस वो सभी को मालूम होगा कि ताड़ के पत्ते पे भी होते थे। उड़ीसा में भी बहुत सारे ऐसे फोक आर्ट हैं जो अभी भी ताड़ के पत्ते पे होते हैं। जैन के मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो भी बहुत सारे ताड़पट पे हुए हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर, 36 नंबर है, कुषाण के शासनकाल में गंधार शैली का विकास हुआ, ठीक है। तो गंधार शैली पहले से तो था बट वो डेवलप्ड कब हुआ, तो वो कुषाण के शासनकाल में हुआ। दैट मीन्स कि गंधारस स्टाइल वाज डेवलप्ड इन कुषाणा डायनेस्टी। जैनम खान, ओके मैम जैनम खान, कोई क्वेश्चन है आप लोग को, जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ यहाँ पे कॉमेंट करें। नेक्स्ट है 37 नंबर, नटराज मंदिर चिदंबरम में स्थित है। तो नटराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो चिदंबरम में है, और चिदंबरम कहाँ पड़ता है, तो साउथ में पड़ता है। अब नटराज आया है तो नटराज मंदिर तो नहीं बट मैं नटराज मूर्ति की बात कर देती हूँ। नटराज मूर्ति जो कि स्कल्पचर से वो कौन से भंग में है, तो वो अतिभंगा में है, अतिभंगा में है। और ये क्वेश्चंस आप लोग को मालूम होगा कि पूछा गया था एनटीए यूजीसी नेट में लास्ट टाइम, एनटीए यूजीसी नेट के लास्ट टाइम के पेपर 2019 के दोनों ही पेपर मैं आप लोग को दे दी हूँ। नितिन सैनी के लिए मैम, फड़ी शैली और राजस्थानी शैली में से दोनों में से किस पर ज़्यादा काम हुआ, राधा कृष्ण के चित्रों पर किस पर टिक करें। तो देखिए नितिन जी, आपकी जो क्वेश्चंस है कि फड़ी शैली, पहली बात तो ये फड़ी नहीं होगा, फर होता है, ठीक है, फर शैली होता है। तो फर शैली और राजस्थानी शैली में दोनों में से किस पर ज़्यादा काम हुआ राधा कृष्णा के चित्रों पर, किस पर टिक करें, तो ऑब्वियसली राजस्थानी पे हुआ है क्योंकि फर पेंटिंग राजस्थान का ही है, ठीक है, राजस्थान का ही है। बट राधा कृष्णा पे फर में काम ज़्यादा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ फर पेंटिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राधा कृष्णा पे ही बनाया जाए, आप कोई अदर टॉपिक देके भी बना सकते हैं। आई होप कि नितिन सैनी का मैं जवाब दे पाई हूँ। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर करवा रहे थे ना, नटराज के बारे में बात कर रहे थे। तो नटराज यहाँ मंदिर तो हो गया बट अभी मैं क्वेश्चन यहाँ घुमा रही हूँ, नटराज मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो नटराज मूर्ति आप लोग का अतिभंगा में है, और नटराज मूर्ति से लास्ट टाइम पूछा गया था। नटराज मूर्ति अतिभंगा किसे कहते हैं, देखिएगा इस तरह से पैर है, वो नटराज मूर्ति का पीछे हेलो है और उनके नीचे एक मूर्ति है जिसको हम अपास्मारा कहते हैं, जिसपे उनका एक पैर है, नटराज का एक पैर है। चोला पीरियड से बिलोंग करते हैं, नटराज मूर्ति जो है चोला पीरियड के हैं, तो ये सब भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन से टाइम का है नटराज स्कल्पचर, तो 19th सेंचुरी का है। अनुराधा जादव करी, मैम आपके सारे वीडियो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्लेलिस्ट हैं आपके चैनल पे, थैंक यू अनुराधा जी। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल पे जोड़िए। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार मंसूर था। तो ये तो सभी को मालूम होगा, आई थिंक ये सब तो क्वेश्चंस रिपीटेडली केवीएस एनवीएस डीएसएसबी में पूछे जाते हैं, और इवन कभी कभी यूजीसी नेट में भी पूछ दिया जाता है। ये तो एकदम जवान पे होना चाहिए, जवान पे होनी चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों, यानी कि एनिमल्स पे और फ्लावर्स पे, फिर आपके पशु जीव में जो भी आ जाता है, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये सब पे मंसूर ही काम किए हैं। मंसूर तो फेमस है इन सब चीज़ों के लिए।
तो ये भी याद रखना है कि जहांगीर के राज दरबार के कौन से आर्टिस्ट थे एक, तो जहां मंसूर कौन से राज दरबार का आर्टिस्ट था, तो मंसूर जहांगीर का था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मंसूर कौन से, उनके टॉपिक क्या थे, मंसूर जो काम करते थे उसके टॉपिक क्या थे, तो वनस्पति और जीव थे। और मंसूर किसके राज दरबार में काम करते थे, जहांगीर के, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, कोटा राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं। ऑब्वियसली कोटा भी ये क्वेश्चंस में रिपीटेडली पूछा जा गया है केवीएस एनवीएस में। तो राजस्थानी शैली के एक सब स्कूल है जिसका नाम है कोटा, और कोटा में जो अधिकांश चित्र पाए जाते हैं वो बाघ और सिंह के पाए जाते हैं। इवन कोटा को हंटिंग के लिए भी जाना जाता है। कोटा की जो राजस्थानी शैली की जो कोटा स्कूल है उसे हंटिंग के लिए भी जाना जाता है, यानी कि शिकार करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन है, एक जलधारा के किनारे बैठी योगिनी को बीजापुर के साथ संबंध किया जाता है। तो बीजापुर कहाँ है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि बीजापुर कहाँ है, आप लोग को बताना है। और बीजापुर जो स्कूल है वो मैं आप लोग को कंफर्म कर दूँ कि ये बीजापुर जो है डेक्कन, जैसे कि मुगल मिनिएचर है, राजस्थानी शैली है, उसी तरह से डेक्कन मिनिएचर जो है उनके एक सब स्कूल का नाम है बीजापुर। अब बीजापुर कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। एक जल धारा के किनारे बैठी योगिनी को बीजापुर के साथ संबंध किया जाता है। सोनाली प्रजापति, हेलो मैम सोनाली जी, हेलो। तो हो गए 40 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखते देखिए, यहाँ पे मैं कुछ NTAUC नेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस लाई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मात्र 2 क्वेश्चंस लाई हूँ, मात्र 2 क्वेश्चन से देखिए। और क्यों 2 क्वेश्चंस लाई हूँ, गोलकुंडा में सोनाली जी जवाब देती हैं, गोलकुंडा में। सोनाली जी थैंक यू सो मच, एकदम राइट जवाब है आपका, बीजापुर जो है गोलकुंडा में है। 2 क्वेश्चंस है UGC नेट के पेपर 1 से, इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा NTAUGC नेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला है, ए स्टिप्युलेटिव डिफिनेशन नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। बिपिन जी हाय। तो स्वनिर्मित भाषा जो ना सत्य हो ना मिथ्या कही जा सकती, इसको रट लीजिए, अगर नहीं समझ में आए ना कभी कभी कोई चीज़ तो रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त के साथ, और कमेंट भी कीजिएगा। विपिन कुमार कर्नाटका, हाँ कर्नाटका भी सही है क्योंकि गोलकोंडा जो है वो कर्नाटका में पड़ता है। विवेक जायसवाल कर्नाटका सही है, गोलकोंडा भी सही है और कर्नाटका भी सही है, दोनों ही है। बट बीजापुर कहाँ है पूछा गया है, तो बीजापुर गोलकोंडा होगा, गोलकोंडा क्योंकि गोलकोंडा में बीजापुर पड़ता है, कर्नाटका जगह है, तो इसलिए गोलकोंडा याद रखिएगा ना कि कर्नाटका। ऑप्शंस में आपको गोलकोंडा दिया जाएगा, कर्नाटक नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला था, ए स्टिप्युलेटिव डिफिनेशन नीदर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, हिंदी में भी है, हिंदी वाले देखिए। स्वनिर्मित भाषा जो ना सत्य हो ना मिथ्या कही जा सकती हो। दूसरा क्वेश्चन है, वेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस, प्रीमाइस या फिर प्रीमाइसेस, ये जो प्रीमाइस के बाद जो एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि प्रीमाइस या फिर प्रीमाइसेस, कंक्लूसिवली द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधिकारिक या फिर आधिकारिकाओं के का परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निगमनात्मक कहलाता है। निगमनात्मक तर्क का डिफिनेशन किया है, निगमनात्मक तर्क का डिफिनेशन यही है कि जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधिरिका या फिर आधिरिकाओं का परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निगमनात्मक तर्क कहलाता है। निगमनात्मक को इस इंग्लिश में डिडक्टिव कहते हैं। अनुराधा जी ये आंसर बताई हैं, डिडक्टिव एकदम सही आंसर है कि जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं और इसके प्रीमाइस या फिर प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली दी आर आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगी कि निगमनात्मक तर्क जो है इनसे मैं एक वीडियो बनाई हूँ, मेरे चैनल का नाम है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, उस पर पेपर 1 की तैयारी करवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि चैनल पर वीडियो अच्छा लाऊं, तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और पेपर 1 की कंप्यूटर से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और साथ ही साथ आप लोग को सिलोलिज्म जो कि पूछे जाते हैं, रीजनिंग वगैरह, उससे वीडियो अपलोड क्यों जरूर देखें। जायत्री साहा कह रही हैं, मैम आई लाइक योर क्लासेस समथिंग समथिंग। जायत्री जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जायत्री जी आप बहुत लेट मुझे लगता है ज्वाइन किए, तो ये देखिए ये मैं पूरा करवा दी हूँ, जो भी लेट ज्वाइन किए हैं इसे
हैं और चंबल कहाँ है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। एनटीयूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, केवीएस में भी पूछे जाते हैं, एनवीएस डीएस भी, कोई भी एग्जाम हो पूछे जाते हैं। सोनाली जी करी मैम, आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल होती है, थैंक यू सोनाली जी। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है, याद रखिएगा, मिर्जापुर तो बहुत फेमस है, मिर्जापुर बहुत फेमस है, सोरोहो घाट, लिखुनिया, मानिकपुर, कड़िया कुंडा, घोड़मगढ़ और विदमगढ़, तो इसे याद रखें। में गैंडा तथा बारहसिंघा कौन सी गुफाओं का चित्रण है, तो याद रखना है मिर्जापुर का। सोनाली जी मैम, मेरा 2 नंबर से नेट रह गया था पिछली बार, तो सोनाली जी मैं यही बोलूंगी, जिसका भी नेट 2 नंबर से रह रहा है वो पेपर 1 पे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करें और पेपर 2 पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो जरूर नेट निकल जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है सोनाली जी आपको पेपर 1 में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही होंगी। दक्कनी शैली से गोलकोंडा है, बिल्कुल सही, मैं बताई भी थी कि डेक्कनी शैली से गोलकोंडा है। नितिन जी बोल रही हैं, बोल रहे हैं या नितिन जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लड़की हैं या लड़का, सॉरी, तो आप बता दीजिए कि आप लड़की हैं या लड़का। नितिन सैनी नाम से तो आई डोंट नो, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा। नेक्स्ट है मिर्जापुर में सुअर का आखेट भी चित्रित है, तो मिर्जापुर में और क्या चित्रित है, तो सुअर का आखेट चित्रित है। नेक्स्ट है सोरहो घाट क्षेत्र में किसका चित्रण है, तो सोरहो घाट क्षेत्र में स्याही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ, वो पशु चित्र, यानी कि आखेट, हाथ के छापे, यानी कि जैसे कि हाथ का जो छाप होता है ना इस तरह से वो, और मानवाकृतियाँ वो पशु चित्र सोरहो घाट क्षेत्र में। इसका मतलब हो रहा है कि 54 नंबर आप लेके आए हैं सोनाली जी, बहुत अच्छे रैंक हैं, बहुत लोग का निकल जाता है। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 27 के जगह 32 से 33 क्वेश्चन अगर सही करेंगे तो जेआरएफ आपका हो जाएगा, और अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं तो नेट पक्का निकल जाएगा। अनुराधा जी करिए मैम, मेरा तो 2 बार नेट क्लियर हुआ है लेकिन मुझे जेआरएफ चाहिए, मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगी, बस आप गाइड करते रहें सही से। आई नो अनुराधा जी कि जेआरएफ क्रैक करना डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूर जेआरएफ क्रैक होगा। और जहाँ आपको कमी लगे कि आपका कमी कहाँ है, आप उस कमी को पूरा करें। अगर पेपर 1 में कमी लग रही है तो उस पर ध्यान दें, और पेपर 2 में कमी लग रही है तो आप वहाँ पर ध्यान दें। मेरे तो पेपर 1 में आप लोगों को बता रही हूँ 33 क्वेश्चन सही थे जब मैं जेआरएफ क्रैक की थी, और सेकेंड पेपर का मुझे याद नहीं है, बट सेकेंड पेपर भी ऐसा ही कुछ था, उसमें भी 68 नंबर या 64 नंबर कुछ मुझे, सॉरी नॉट 60 नंबर, गलत बता रही हूँ, क्योंकि 150 का एग्ज़ाम होता है ना, तो उस 200 का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर के होते हैं, तो मुझे इसमें से 120 या 124 नंबर आए थे, और पेपर 1 में मुझे 66 नंबर आया था, 66 नंबर आया था। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि निकल जाएगा अनुराधा जी आपका नेट, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये कौन से पीरियड का है, इस स्कल्पचर्स का नाम क्या है। बहुत ही सॉरी, फ़ोन आ गया किन्हीं का, सॉरी। और ये रहा आपका किशनगढ़ से, तो दोस्त आज वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ये दोनों पेंटिंग का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स, और कल मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब लेके आई हूँ, करवाऊँगी, और आप लोग कॉमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। क्लास ऑफ कर रहे हैं डियर।